जल निगम द्वारा बकाया वेतन के भुगतान को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जल निगम निर्माण खंड उत्तर प्रदेश अयोध्या में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन 5 माह से वेतन और पेंशन बकाया को लेकर की गई। जल निगम के हसन अली मीडिया प्रभारी ने कहा कि पिछले 5 माह से ना तो वेतन दिया जा रहा है ना भुगतान दिया जा रहा है, जिससे हम सबका परिवार भुखमरी के कगार पर है। इसके साथ ही ना तो सप्तम वेतन का लाभ दिया जा रहा है, ना तो छठे वेतन एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान इंजीनियर एनडी सिंह, इंजीनियर रिजवी, जनपद संयोजक संजीव कुमार, हसन अली, विशन कनौजिया, महेंद्र राम, विवेक कुशवाहा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। तीन सूत्री मांगे हैं, जिसमें जो है हमारा मुख्यतः जो है 5 माह से या सितंबर माह से जो है हमारा वेतन लंबित चल रहा है, जिससे हमारे जो है पेंशनर हमारे कर्मचारी साथी का जो है घर चलना मुश्किल हो गया है। इसके लिए जो है हम लोग निरंतर धरने पे लगे हुए हैं। जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम करते रहेंगे। इसके अलावा जो है हमारी दूसरी मांग है 2016 से सभी पेंशनों के देयों का तत्काल भुगतान हो जाए। इसके बाद हमारा तीसरा है कि 2018 से जो हमारी जो है मृतक आश्रितों की नियुक्ति लंबित है उसको हम बहाल किया जाए। तो इन सब मांगों को हम लोग लेकर के उतरे हुए हैं। जब तक कि हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं हम लोग जो है निरंतर इस तरह से करते रहेंगे। अभी तो 22 तक हम लोगों का कार्यक्रम है। 22 के बाद कुछ अलग कार्यक्रम निर्धारित हो सकता है केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा। इसका आपने सूचना कहीं किसी को दी है, किसी अधिकारी को या मुख्यमंत्री तक पहुँचाई? हाँ, मुख्यमंत्री के तक डेली जो है हम लोग बाई पोस्ट भेज रहे हैं। ये 16 से 22 तक बाई पोस्ट भेजेंगे। इसके बाद जो है हम लोग लगातार जो है मुख्यालय में ये सूचना भेज रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम महेंद्र राम है। अच्छा, अमिता जल्दी।